साहब मौजूद हैं साउथ एक्स में कोर्ट क्लब के बाहर। ये जो क्लब है कोर्ट, इसके ठीक बाहर इसी जगह पर 17 और 18 सितंबर की रात यहां पर एक लड़की और उसके दोस्तों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। दरअसल उस लड़की ने 17 और 18 सितंबर की रात तकरीबन 2:15 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम पर कॉल किया और पुलिस को बताया कि उसके साथ मारपीट की गई है, उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, उसको गलत तरीके से छुआ गया है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम यहां पर मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंच के पुलिस देखती है कि ये जो आप देख रहे हैं ये पोडियम रखा हुआ है ये गिरा हुआ है, इसके अलावा ये पार्टीशन का हिस्सा जो है ये दूसरी तरफ सड़क पर लगा हुआ है ये यहाँ पर रखा हुआ है। और जब पुलिस CCTV चेक करती है तो पता लगता है कि उसमें मारपीट दिख रही है और दूसरी तरफ एक CCTV में ये भी दिख रहा है कि किस तरीके से लड़की आगे आती है और वो पोडियम को गिरा देती है। इस मामले में पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जो बार ओनर हैं उनके तरफ से बेहद काट करके CCTV फुटेज जानबूझ के वायरल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ लड़की का ये आरोप है कि वो और उसके कुछ दोस्त रात में यहाँ पर पहुँचते हैं क्लब में एंट्री के लिए और जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहीं पर पोडियम लगा हुआ है, ये डिवाइडर लगा हुआ है और यहीं पर उनका झगड़ा शुरू हो जाता है बार से जो बाउंसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इस मामले पे जो बार के मालिक हैं उनका ये कहना है कि वो सभी लोग नशे में थे, बार बंद होने का टाइम था, उन्हें एंट्री नहीं मिल रही थी, लेकिन लड़की का कुछ और कहना है। और इसके बाद जब यहाँ पर वो पहुँचते हैं तो उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है, लड़की के कपड़े फाड़े जाते हैं और उसके बाद लड़की गुस्से में आती है और आगे एक तरफ आके इस पोडियम को गिरा देती है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने लड़की का 164 का बयान दर्ज करा लिया है, FIR दर्ज की है और जो आरोपी बाउंसर है उनकी तलाश में जुटी है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, इसके ठीक एक हफ्ते बाद एक और पुलिस का कहना है कि 24 तारीख को एक और PCR कॉल हुई जिसमें ये कहा गया कि यहाँ पर जो बाउंसर हैं वो म्यूजिक तेज बजा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम आती है और यहाँ से वो म्यूजिक सिस्टम वगैरह ले जाती है। लेकिन इस पूरे मसले पर जो बार मालिक हैं उनका कुछ और कहना, उनका कहना है कि दरअसल पुलिस लगातार उन पर दबाव बना रही थी, पैसे मांग रही थी और जब उनकी ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो उनके खिलाफ ये एलिगेशन लगाए गए हैं। लेकिन जो एलिगेशन लड़की के द्वारा लगाए गए हैं उसके बारे में कोई जवाब नहीं है।